देख सकते हैं वहाँ पर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुँच चुके हैं। जेपी नड्डा के लिए भी बड़ी जीत है, अध्यक्ष कार्यकाल में अधिक हुई है सबसे बड़ी जीत चार प्रदेशों में और उसमें सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री जी भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय बंसल जी को, माननीय संजय निषाद जी को, माननीय दिनेश जी को, माननीय राधा मोहन जी को। और यूपी की इस जीत ने कई कीर्तिमान तोड़े, कई नए रिकॉर्ड कायम किए। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था आज से पहले जिसने 5 साल सरकार चलाई और उसके बाद दोबारा चुन के आया हो। आजादी के बाद से आज तक पहली बार ये कारनामा योगी आदित्यनाथ ने किया है और पिछले 4 दशक में ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री रहते किसी के चुनाव लड़ा गया और वो मुख्यमंत्री दोबारा चुन करके आया। जिस तरीके का प्रचार रहा भारतीय जनता पार्टी का, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे, एक वेल कोरियोग्राफ्ड कैंपेन, और बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि वो हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ती है, तो इस चुनाव में तो कोई कोर कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी पार्टी ने। आपको अब हम दिल्ली मुख्यालय पर लेकर चलते हैं। बीजेपी के पवन नारा वहां पर मौजूद है, जबरदस्त जश्न योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ में अभी अभी बना है। पवन, अब हमें बताइए दिल्ली में क्या तैयारी है? देखिए सौरभ, जो जश्न आपको लखनऊ में दिखाई दिया है उससे कम जश्न यहां नहीं है। आपको दिखा दे, मंच सज गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। दाएं से बाएं अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता, ये प्रांगण खचाखच भरा हुआ है। कुछ देर पहले यहां रंगों की होली खेली जा रही थी, ये बीजेपी के लिए होली से पहले वाली चुनावी होली है, जहां 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। गोवा जहां उम्मीद नहीं थी वहां सरकार, और सबसे बड़ी बात ये कि 3 दशक से ज्यादा के समय के बाद अब की बार यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं, तो उसके जश्न की तस्वीरें हैं। जेपी नड्डा यहां पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, इसके अलावा नितिन गडकरी, और सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है। अगर आप देखेंगे तो सब उस बड़े स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं जहां पहली झलक आएगी, और यहां मंच पर लगाया गया है पोस्टर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर है जो उन्होंने बनारस के रोड शो में पहनी थी, टोपी पहनी थी, वो तस्वीर लगाई गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब की जनता का आभार और अभिनंदन। पंजाब में भले ही सीटें गिनती चुनती की आई हो, लेकिन पहली बार बीजेपी को यहां 7% वोट मिले हैं, तो सभी का धन्यवाद करने के लिए है। देखना होगा कि मंच सज चुका है, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो वो इन 4 राज्यों के लिए आगे 5 साल की क्या रूपरेखा रखने वाले हैं। बिल्कुल पवन, और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का पहुंचने का। जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं तो अब मतलब साफ है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी वहां पर होंगे, और आज की इस जीत में पार्टी कार्यकर्ताओं का जो योगदान है उसकी बात होगी, और देश को ये भी बताएंगे वो जरूर कि ये चुनाव में मिली जीत कितनी अहमियत रखती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दोबारा आना ये कितनी बड़ी बात है। देखिए अभी बीजेपी के तमाम नेता याद दिला रहे हैं कि 2014, 2017, 2019, 2022 ये जीत का चौका है उत्तर प्रदेश में, और चारों बार एक से बढ़कर एक आशीर्वाद से नवाजा है बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता ने। जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का मुख्यालय है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, और दूसरी तस्वीर लखनऊ के पार्टी कार्यालय की जहां थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनका जबरदस्त स्वागत किया गया, होली खेलकर रंग लगाकर उनका स्वागत हुआ। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पहले उनके योगदान को याद किया और उनके कठिन परिश्रम की तारीफ की, और कहा कि ये जीत परिवारवाद का, वंशवाद का खात्मा है। यूपी में इस बार जातिवाद नहीं चला, माफियावाद नहीं चला, और ये इस जीत की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
और अभी भी वहां पर काफी हलचल है, मीडिया वहां पर भारी तादाद में कार्यकर्ता जमा है, दोनों ही तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री खुद अपने पार्टी कार्यालय में वर्कर्स के बीच जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए भी ये जीत कितनी बड़ी है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं, ये बात केवल उनकी पार्टी के लोग नहीं कहते बल्कि उन चुनावों को ठीक से पढ़ने वाले सभी लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि इस जीत में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लोगों का एक भरोसा नरेंद्र मोदी नाम पर है, डबल इंजन की सरकार जब नरेंद्र मोदी कहते हैं तो आज की जीत से बिल्कुल साफ ऐसा लगता है कि लोगों को ये एतबार होता है कि अगर प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठे हैं तो ऐसे में विकास की गारंटी है। ये चारों राज्य वरना जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश में तो आप जैसा हमने आपको बताया ये आज़ादी के बाद पहला मौका है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो सरकार इससे रिपीट हो रही है। फिर एक बार पवन नारा के पास चलते हैं। पवन, कोशिश कीजिएगा आपके आसपास अगर कार्यकर्ता